नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू जोवीज हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद एंड एस्थेटिक सेंटर मुंबई। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले पेनफुल पीरियड्स के बारे में। ऐसे महिला जिन्हें सालों साल से ये तकलीफ है, हर साइकिल में दर्द होता है, लीव काम के लिए डालना पड़ता है, वो देखते हैं कि घर पे बैठ के भी, रेस्ट करके भी अनबेरेबल पेन, गोली खानी पड़ती है तब तक के लिए आराम होता है, बट इसका कोई लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ नहीं है। सभी चीज़ें फॉलो किए, जस्ट टेम्पररी रिलीफ। आज इन महिलाओं का कहना है कि पेनफुल पीरियड ये नॉर्मल है, बट लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट नॉर्मल। यू मस्ट हैव पेनलेस पीरियड्स, एंड व्हाट इट टेक्स टू हैव पेनलेस पीरियड्स इज फॉर यू टू जस्ट फॉलो सिंपल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ आयुर्वेद, टू चूज आयुर्वेद एंड हैव अ लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ व्हेन इट कम्स टू द पेनफुल पीरियड्स। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्यों और किस तरीके से आयुर्वेद और केवल आयुर्वेद द्वारे बहुत आसानी से लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ पेशेंट्स को मिलते हैं फॉर पेनफुल पीरियड। वीडियो की शुरुआत में कहा पेनफुल पीरियड होना ये नॉर्मल नहीं है, हमें जानना है कि इसका जड़ क्या है, इसका कारण क्या है। तो शास्त्र में हजारों साल पहले माधव निदान 62:4 में एक ही वाक्य में एक्सप्लेन किया है, वातला कर्कशा स्तब्द शूल निस्तोत पीड़िता, यानी जो रफनेस है, स्टिफनेस है, पेन है जो वजाइनल एरिया पर होता है, इसका रीजन वात है और कुछ भी नहीं है। सो हमें जानना है कि कष्ट आर्तव जो बोला है डिस्पेनोरिया को आयुर्वेद में, जो पेनफुल पीरियड्स ये जो हम कहते हैं, ये एक लक्षण है वातज योनि व्यापद का। योनि व्यापद यानी यूटराइन डिसऑर्डर्स, जो गर्भाशय के विकार है जो वात के बढ़ने के कारण होते हैं, अगर इस वात को कम करके समान मात्रा में हम लाते हैं, बैलेंस करते हैं, तो पेनलेस पीरियड तो होने ही है। सो बहुत आसानी से आयुर्वेद द्वारा हम पेशेंट्स में रिजल्ट्स देखते हैं फॉर कष्टार्थव एंड लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स देखते हैं। और ये जो चार फैक्टर्स कंसेप्शन के लिए नीडेड है, इसे आयुर्वेद में बताया गर्भ सांभव सामग्री, और ऐसे बहुत सुंदर तरीके से शिशु संहिता के शरीर स्थान सेकेंड चैप्टर के 11th अध्याय में बताया है, ध्रुवम चतुर्नाभ सानिध्यम गर्भम स्या द्विधि पूर्वकम ऋतुशेद्र अम्बुबीजानाम सामग्र्यम दड़कुरो यथा। दो लाइन में पूरा शास्त्र बताया कि वंध्यत्व, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट। सो ट्रीटमेंट के पहले हम जानते हैं 4 टिप्स यू मस्ट फॉलो एंड एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेद। नंबर 1, पीरियड के 7 दिन पहले एरंड तेल यानी कैस्टर ऑयल जो हर जगह अवेलेबल है, इसका सेवन करना है 1 चम्मच रात को सोने से पहले। आप सेवन करके पानी ले सकते हो, दूध के साथ मिक्स करके ले सकते हो, या लेने के बाद थोड़ा खड़ी शक्कर, शौफ, हनी ले सकते हो टू चेंज द टेस्ट जस्ट इफ यू रिक्वायर इट। सो एरंड तेल 1 चम्मच लेना है, और इससे हम देखते हैं एक वातानुलोम एक्शन, एक वात को एक गति मिलता है। अपान वायु जहाँ पर एक ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी गति बदली हुई है, उसे एक गति जब मिलती है पेन ऑटोमेटिकली कम होता है। सो एरंड तेल उत्तम वात शामक। दूसरा, जब भी हमें पेन हो तो हींग यानी ऐसा फीटिडा हींग का उपयोग करें। हींग जो पाउडर में भी होता है और अखा भी मिलता है। सो एक हींग को एक सान रफ सर्फेस पे कुछ ड्रॉप पानी डाल के 15 से 20 बार इसे रब करिए। टेक दैट अर्क, लिक इट, यू सी इंस्टेंट चेंज विद इन फ्यू मिनट्स व्हेन यू हैव पेन। नंबर 3, अदरक स्वरस जिंजर जूस, जब भी दर्द हो लेट जाइए, जस्ट लाई डाउन और नाभि में अदरक स्वरस डालिए 2 to 4 drops, जस्ट एड इट इन योर नेवल, और कुछ ही मिनट में आप देखोगे द पेन इज टोटली कम डाउन। आपको ये रिपीट भी करना पड़ सकता है, बट रिपीट करिए, कुछ साइकिल्स में हम देखते हैं पेन कैसे कम हो रहा है। 4th, वेरी इंपॉर्टेंट, ये है स्वेदन कर्म यानी सेक देना, हॉट फॉर्मेंटेशन, एक हॉट वाटर बैग लेके या फिर एक कपड़ा जिसे थोड़ा वार्म करके पेट पे या पेल्विक एरिया पर सेक देना, और ऐसे सेक देने से इंस्टेंटली पेन जो है ये कम होता है। आयुर्वेद में अनगिनत द्रव्य है, अनगिनत पंचकर्म है, जिससे लाइफ लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग पेशेंट्स रिलीफ होते हैं। दलहन, अष्टांग हृदय और सुश्रुत, इनका कहना है कि ये 3 और एडिशनल फैक्टर्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये 3 एडिशनल फैक्टर्स है रिधि, वाता, मार्ग। मार्ग यानी अनऑब्स्ट्रक्टेड जेनाइटल पैसेज, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना। दूसरा बताया है रिधि, और रिधि का मीनिंग है एक कूल, काम, कॉन्शियस माइंड जिसे पता है प्रेजेंट में क्या चल रहा है, ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं, कूल एंड काम, अनस्ट्रेसफुल या कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस इज द वर्ड, काम एंड कॉन्शियस माइंड। और तीसरा है वात यानी हवा, वात पित्त कफ में से वात दोष, जिसका काम है गति देना, जिसका रीजन है मूवमेंट होना। सो ये वात का एक सही रेगुलराइजेशन होना, वात सम मात्रा में रहना, वात नॉर्मल रहना, और ये वात नॉर्मल रहना क्योंकि वात के कारण ही फीटस फॉर्म हो रहा है और फीटस डेवलप हो रहा है,
किसी भी तरह का फॉर्मेशन, डेवलपमेंट, मूवमेंट ये केवल और केवल वात के कारण होता है। इसीलिए वात की बेस्ट ट्रीटमेंट है बस्ती उत्तर बस्ती, और इसीलिए रक्तमोक्षण विरेचन बस्ती उत्तर बस्ती द्वारे हम देखते हैं पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स व्हेन इट कम्स टू इनफर्टिलिटी। हमने देखा है वातला कर्कश स्तब्ध शूल निस्तोत पीड़िता, इन्हें क्यों सारे लक्षण हो रहे वात के कारण, और पांच पंचकर्म वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्तमोक्षण में से कौन सी ट्रीटमेंट जो सबसे यूजफुल है। आप सभी ने वीडियोस देखे, सबको पता है बस्ती चिकित्सा, सभी बस्ती में से कौन सी बस्ती है जो पेशेंट घर पे कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, विद इन फ्यू सेकेंड्स कर सकते हैं, तो वो है मात्रा बस्ती। आज जो भी इनिशिएटिव लेता है पेशेंट को घर पे बस्ती सिखाने के लिए, सो पेशेंट बस्ती घर पे करते हैं, और हम देखते हैं कि बस्ती घर पे करके पीरियड के पहले, पीरियड के दौरान, पीरियड के बाद डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन केवल बस्ती से किस तरीके से अपान वायु रेगुलेट हो रहा है, वात बैलेंस हो रहा है, और लॉन्ग लास्टिंग पेशेंट को रिजल्ट मिल रहे हैं। 3 से 5 साइकिल बस्ती करने के बाद हम देखते हैं पेशेंट का जड़ ठीक हो रहा है और वात लॉन्ग टर्म के लिए रेगुलेट हो गया है। सो बस्ती इज ब्यूटिफुल व्हेन इट कम्स टू वात। अनगिनत द्रव्य के साथ दशमूल के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है, सो यूट्यूब पर आपको लिखना है जोवीज डॉक्टर राज दशमूल या जोवीज दशमूल, सो यू गेट अ वीडियो 10 द्रव्य के कॉम्बिनेशन के बारे में हमने एक्सप्लेन किया जो बहुत आसानी से आज अवेलेबल है। दशमूल अरिष्ट, दशमूल जीरक अरिष्ट, ये रेडीमेड सिरप न लेते हुए एक्चुअल दशमूल का अगर हम भरड़, इसका एक्सट्रैक्ट अगर हमें मिलता है, इसका उपयोग हम करें तो बेहतरीन फायदे हम देखते हैं। ऑफकोर्स सिरप जो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है उसका भी फायदा है, बट क्रूड फॉर्म दशमूल भरड़ जो हमने वीडियो में एक्सप्लेन किया है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप उन वीडियो को देखिए, फॉलो करिए, तुलसी लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट फॉर कष्टार्थ। इस तरीके से आयुर्वेद जड़ पे पानी डालता है, जड़ को निकालता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, चूज आयुर्वेद इफ यू सी अ रियकरिंग रिलैप्सिंग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम बार बार वापस आ रहा है, जड़ को निकाल दीजिए आयुर्वेद द्वारे, पूरे पूर ठीक हो जाएगी। कोई डाउट्स क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम फ्रॉम जोवीज एंड द टीम, लुक इम्प्रेसिव, बी प्रोग्रेसिव।